हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के फिफ्थ वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉम चोमस्की को, बात करें सीटेट की परीक्षा की। तो सीटेट की परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें जो भाषा का जो विकास और सिद्धांत जो भाषा के ऊपर सबसे ज्यादा बात की है वो किस मनोवैज्ञानिक ने की है, तो वो की है नॉम चोमस्की ने। तो चोमस्की साहब का सिद्धांत पढ़ेंगे आज हम, कि चोमस्की साहब ने अपने सिद्धांत में क्या बताया है क्या नहीं बताया है, जो उनके स्टेटमेंट है जो लाइन है जिनको लक्ष्य भी आती है कह सकते हैं करना उठा के देखना। ये वाली जो लाइन हुई है भाषा, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्म जात होती है, कई बार क्वेश्चन में पूछी है। तो थोड़ी जानिए नहीं पूरा पढ़ेंगे नॉम चोमस्की को, ये अपनी आप पाँचवीं क्लास होगी सी टैट की, तो सी डी पी की क्लास सारी जो भी चल रही है सारे आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो पढ़ेंगे नॉम चोमस्की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वायरोस्की को, तो नॉम चोमस्की जो थे, नॉम चोमस्की कहाँ के रहने वाले थे, इनके पास जो नागरिकता थी वो कहाँ की थी, अमेरिका की। क्या कह रहे हो, सारे जो साइंटिस्ट हैं वो बाहर गए थे, आउट ऑफ कंट्री थे, बिल्कुल सही बात है। भारत के थे कुछ, उनके बाद पढ़ेंगे हम। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। तो इनके पास जो नागरिकता थी वो थी अमेरिका की, ठीक है। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत दिया है भाषा विकास का, इन्होंने दिया था आपने अपना इसका भाषा विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया। तो भाषा विकास के सिद्धांत इन्होंने क्या बताया उसके ऊपर बात करेंगे। ये अमेरिका के रहने वाले थे, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस देश की नागरिकता थी नॉम चोमस्की के पास, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने जो सिद्धांत जो थ्योरी दी वो दी भाषा विकास के ऊपर। कह सकते हैं कि कहीं क्वेश्चन आ रहा है कि भाषा भाषा से संबंधित कहीं क्वेश्चन है सीटेट की परीक्षा में, हिंदी में भी आते हैं, ये हिंदी का जो लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें हिंदी में पूछा जाता है, चोमस्की के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सीटीटी में तो आता ही है और इंग्लिश में भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है चोमस्की ने ही बात की है अपनी भाषा के ऊपर जो सबसे ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। तो बात करेंगे, इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो भाषा होती है, भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो जन्मजात होती है। बच्चों को भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो होती है जन्मजात होती है। जन्मजात से अभिप्राय का मतलब कि जैसे कि हम छोटे बच्चे थे तो हमें भाषा सीखने के लिए कोई किताब लेनी पड़ी या कुछ लेना पड़ा। मैं आप जैसे हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिंदी भाषा सीखने के लिए क्या हमें कहीं जाना पड़ा, कोई किताब पढ़नी पड़ी, वो नहीं पढ़नी पड़ी, वो क्या है हम लोग ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। तो जो वो क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है, जो कि जन्म के साथ से हमसे लेकर पैदा होती है। तो ये लाइन बिल्कुल रखी हुई आती है एग्जाम में, क्योंकि छोटी सी थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं है थ्योरी के अंदर, बस ये बेसिक चीजें आपके एक से दो, अगर पूरी थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके दो नंबर पक्के हो जाते हैं। तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो होती है जन्मजात होती है। ये तो हुई एक लाइन की, बात करें दूसरी लाइन की, बच्चों के जो मस्तिष्क होता है माइंड, बच्चों के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है। अब चोमस्की साहब ने क्या कहा, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो चोमस्की साहब ने कहा कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है उसमें एक प्रकार का क्या होता है, डिवाइस होता है। क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है, यंत्र होता है, परीक्षा में पूछी जाती है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस। तो ये चीजें याद रखनी है। हिंदी में बात करें भाषा अधिग्रह यंत्र, तो ये है LAD, याद रखना है। LAD जो यंत्र का जो नाम बताया है वो बताया है नॉम चोमस्की ने, भाषा अधिग्रह यंत्र, यानी भाषा का जो सीखने का यंत्र होता है उसे बोलते हैं LAD। इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी परीक्षा में पूछी गई है, रखी हुई आई है, DSSB की परीक्षा में आई है, LAD की पूछी गई है। लैंग्वेज बात करें इंग्लिश की, तो लैंग्वेज
एक्यूडेंसी डिवाइस, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो बच्चे के मस्तिष्क में होता है एक प्रकार डिवाइस होता है, डिवाइस का नाम क्या होता है, हेल्प ए भाषा अधिग्रह यंत्र, ठीक है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत, यानी ग्रामर जो होती है बच्चे के मस्तिष्क में वो होती है जन्मजात होती है, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा है सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर जो होती है बच्चे के मस्तिष्क में क्या होती है, जन्मजात होती है। कि जो बच्चा व्याकरण सीखता है व्याकरण वो जन्मजात होती है, ठीक है। ये याद रखना, तो ये तीन पॉइंट याद रखने हैं। एलएडी आपको बहुत याद रखना है, ये पहले है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीटेट के हिसाब से अब बात करें कि भाषा के लेवल, लोग भाषा के लेवल के प्रकार की बात की है, तो भाषा के लेवल के प्रकार इन्होंने बताए हैं दो। कौन कौन से दो प्रकार बताए हैं इन्होंने भाषा के लेवल के, वो कौन कौन से प्रकार बताए हैं। पहला बताया है इन्होंने सतही संरचना, सतही यानी ऊपर की तरफ में, ठीक है। इसका सरल अर्थ हमारा अर्थ बता दें, इसमें बच्चा ध्वनि और अपना शब्दों को जानता है मगर अर्थ नहीं जानता। इसमें बच्चा क्या है, शब्दों को जानता है लेकिन उसे क्या है, अर्थ नहीं जानता, ठीक है। जैसे हम अपनी आम भाषा में कह सकते हैं उदाहरण, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं और क्या चल रहा है किसी से पूछेंगे तो कोई जवाब देगा इसका हमारा यार दोस्त कि बस कट रही है। अब क्या कट रही है ये नहीं बताया, वो कट रही है, क्या कट रही है, जिंदगी, ठीक है। तो इसमें बच्चा जो है ध्वनि शब्दों के शब्दों को जानता है मगर उनके अर्थ नहीं जानता कि इनका जो अर्थ क्या होता है, ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें और भी कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं छोटे मोटे, ठीक है। और दूसरे जो स्टेज होती है, जो दूसरा जो लेवल होता है गहरी संरचना, गहरी संरचना यानी डी, ठीक है। इसमें शब्दों का अर्थ ज्ञान होता है, इसमें बच्चों क्या होता है शब्दों का अर्थ होता है और क्या होता है ज्ञान होता है। जैसे कि अभी केवीएस का इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, केवीएस का इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसमें पूछा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसने और क्या चल रहा है या क्या कर रहे हो, तो आप ये थोड़े बताओगे बस कट दी है, आप बताओगे मैंने पीजी किया है, यूजी किया है, मैंने सीटेट क्वालिफाई है, इसकी तैयारी की, अभी मैं ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो इसमें शब्दों का अर्थ भी बच्चा जानता है, ठीक है। तो ये थी नोम चॉम्स्की की साहब की थोड़ी भाषा विकास के ऊपर इन्होंने बात की है, बहुत ही कुछ चुनिंदा शब्दों में सारा स्टेटमेंट बताया मैंने आपको, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और सीटेट 2023 का सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है, आई होप आपकी दुआओं में असर हो, सीटेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी देखने को मिले और इसी तरह हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू रह सके, ठीक है। और भी कोई अगर इस प्रकार की टीचिंग संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सबको अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, धीरे धीरे पढ़ते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।